अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट, चाइना ग्रास का हलवा। ठंडा ठंडा सुपर टेस्टी डिज़र्ट घास का हलवा इफ्तारी के टाइम रिफ्रेश कर देता है। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सुपर टेस्टी आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। चाइना ग्रास डिज़र्ट बनाने के लिए हमने चाइना ग्रास लिया है 12 ग्राम का पैकेट। इसे हम 1 लीटर दूध में बनाएंगे। इसके पैकेट पे लिखा होता है कितने तादाद दूध में कितना डालना है। किसी भी किराना स्टोर पे, मॉल में, डीमार्ट में मिल सकता है। आप इसे ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। इसको हम पहले इस तरह से टुकड़े टुकड़े कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है। अब इसको हम भिगा देंगे। इसको भीगने के लिए एक पतीले में डाल देंगे और इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे। इसका भीगना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये पहले से भीगे हुए होते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट बनते हैं। इसको हमने गर्म पानी में डाल दिया है। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 कप पानी में इसे हमने भिगा दिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसको हमने भीगने के लिए रख दिया और यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध को हम गैस पर रख देंगे बॉयल होने के लिए। और हम दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने 2 चम्मच कस्टर्ड लिया है और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल देंगे। दूध क्योंकि अभी ठंडा है तो पहले से ही डाल के रख देते हैं। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें भी हम 2 चम्मच दूध डाल देंगे कॉर्नफ्लोर में। हम 2 फ्लेवर का चाइना ग्रास का हलवा बनाएंगे। एक हम रुअब्जे वाला, दूसरा हम वनीला वाला। तो हमने इसको भी इस तरह से फेंट लिया है, इसमें भी कोई गुठलियाँ न रहें। इसके अंदर हम डालेंगे रुअब्जा, या आपके पास रोज़ सिरप हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और वनीला में तो अपना खुद का ही फ्लेवर होता है, तो इसमें हमें कुछ नहीं ऐड करना है। चाइना ग्रास में आप वनीला या तो कॉर्नफ्लोर डाल के बनाएंगे तो हलवा आपका बहुत अच्छा ठीक बनेगा। ठंडा होने के बाद कभी कभी पानी छोड़ देता है, तो ये पानी नहीं छोड़ेगा बिल्कुल से। अब इसमें हम 1 कप चीनी डाल देंगे, 150 ग्राम। आपको जितना मीठा पसंद है उतना डालिएगा। अब गैस की फ्लेम हम लो करके दूसरी साइड उसको रख देंगे। दूध में बहुत अच्छा सा उबाल आ गया था, हम इसको अब पका लेते हैं चाइना ग्रास को। तो यहाँ पर हम इसको गैस पे फुल फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए ये 3-4 मिनट के अंदर ही एकदम से घुल गए हैं। इसको हम थोड़ी देर और पका लेते हैं, एकदम ये लई जैसे दिखने लगे हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम दूध में ऐड कर देंगे। दूध को हमने पहले से ही लो फ्लेम पे रखा हुआ है, तो पूरा का पूरा हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम चलाते हुए 3-4 मिनट पका लेंगे। अच्छी तरह से ये दूध में एकदम घुल जाए, पूरे दूध में जब एकदम से घुल जाए तो हम गैस की फ्लेम फिर से लो कर देंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से 3 मिनट में पक चुके हैं। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो आधा लीटर दूध हम इसी पतीले में फिर से डाल देंगे और आधा इसी पतीले में रहने देंगे। तो इसको भी अब हम गैस की फ्लेम चालू करेंगे और इसमें हम कस्टर्ड डाल देंगे। कस्टर्ड को पहले आप चम्मच से चला लीजिए, ये नीचे बैठ जाते हैं। और इसको हम 3 मिनट पकाएंगे, कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। ये देखिए इसमें गाढ़ापन आ गया है और एकदम स्मूथ है। ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको हम किसी ट्रे में डाल देंगे, इस तरह की थाली या ट्रे में डालिए, ये एकदम हलवे जैसे बनेंगे। अब इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो खुद बा खुद सेट हो जाएगा। चलिए अब हम रुअब्जे वाले डिज़र्ट की तैयारी करते हैं। दूध गैस पे रखा हुआ है धीमी आंच पर। इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसको भी अच्छे से चला लेते हैं, नीचे ये भी जम जाता है। और इसको चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम एकदम लो है, धीरे धीरे करके इसे डाल देना है। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले, और 3-4 मिनट हम कॉर्नफ्लोर को भी पकाएंगे, इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छा सा गाढ़ापन आने लगा है और इसे धीमी आंच पे आपको पकाना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के रुअब्जा डाल देंगे। तो चीनी आप अपने पसंद से डालिएगा। यहाँ पर हमने चीनी जो डाला था रुअब्जा डाल दिया है, लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और इसको भी अब हम सेट कर लेते हैं। इसे हम कटोरियों में सेट करेंगे इस तरह से, छोटी छोटी कटोरियाँ ले लेना है और उसमें 3 सर्विंग स्पून आ जाएगा बहुत आसानी से, और इसकी लेयर भी बहुत अच्छी मोटी रहेगी। बहुत बड़ी कटोरी में इसे नहीं जमाना है, बस उतना जितना ये आसानी से जम जाए नीचे तक। तो हमने इसे 5 कटोरियों में जमा लिया है, बाकी का हमने इसे दूसरी बड़ी कटोरी में डाल दिया है, कुछ बच गए थे। अब इन सभी को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पर ही। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे कट करके, काजू बादाम हम इसमें डाल रहे हैं, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और इसे हम ठंडा होने के लिए 3-4 घंटे फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए, सर्व करने के लिए 3 घंटे बाद चाइना ग्रास की पुडिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।